हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। मेरा नाम है प्रतिभा और मेरे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। अगर आप मेरे ब्लॉग देखते होंगे तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज मैं अपने घर पे नहीं हूँ। और अगर आप नहीं देखते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर बहुत सारे हिंदू एक्टिविटीज, हिंदू कल्चर की जो एक्टिविटीज हैं, फेस्टिवल्स और जो हमारा कल्चर है, वो सब मेरे डेली ब्लॉग के थ्रू आपको पता चलेगा। तो आज है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति जो है वो हमारी 14 या 15 जनवरी को ही पड़ती है, कभी 14 को कभी 15 को। तो ये संक्रांति क्यों मनाई जाती है? ऐसा कहा जाता है कि जो हमारे सूर्य नारायण भगवान है, क्योंकि ये पूरी सृष्टि सूर्य देव से ही चल रही है, असली प्रमुख भगवान देखा जाए तो वही है। तो जो हमारे सूर्य नारायण भगवान है वो अपनी दिशा चेंज करते हैं, वो दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ उगना स्टार्ट हो जाते हैं। और ऐसा कहते हैं कि वो मकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर राशि एक तरीके के जोडियाक साइन होता है, अगर आप इंग्लिश में जानते हो। और एक माइथोलॉजिकल कहावत ये भी कही जाती है कि इस दिन सूर्य देव जो है वो अपने पुत्र के घर जाते हैं, और उनके पुत्र का नाम है प्रभु शनि देव। तो आज के दिन जो हमारे हिंदू कल्चर में जो जो खराब दिन होते हैं, जैसे कि हमारे हिंदू कल्चर में कुछ दिन शुभ अशुभ माने जाते हैं, तो वो आज के दिन खत्म होते हैं। सूप डूबना, जो खरमास वगैरह होता है, वो समाप्त हो जाता है। और फिर उसके बाद आज से कुछ अच्छे कार्य स्टार्ट होते हैं। और इस उत्तरायण होने से सूर्य देव के बहुत सारी चीजें अच्छी मानी जाती हैं, जन्म मृत्यु से रिलेटेड भी। तो आज के दिन हमारे यहाँ होता क्या है, मोस्टली आपके घरों में भी ये सब चीजें होती होंगी, लेकिन जिन्हें नहीं पता है उन्हें बताओ। आज के दिन हमारे घर में सुबह सुबह उठ के किसी पवित्र नदी में स्नान किया जाता है, जैसे गंगा स्नान या कोई भी, मतलब जो आपके आसपास पवित्र नदी हो। लेकिन अगर आप ऐसा पॉसिबल नहीं कर सकते हैं तो घर में ही थोड़ा सा गंगा जल डाल के स्नान किया जाता है। और तिल का भी प्रयोग किया जाता है। तिल का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि हमारे जो शनि देव है ना, उनका भी आज एक प्रमुख दिन है, तो तिल का प्रयोग भी किया जाता है। स्नान किया जाता है, स्नान करने के बाद दान किया जाता है। दान किन चीजों का किया जाता है आज के दिन? जो कि सूर्यदेव और शनिदेव से जुड़ी हुई चीजें होती हैं। और आज के दिन नए चावल, नई दाल का भी दान किया जाता है। शनिदेव इसमें प्रमुख होते हैं, इसलिए तिल का भी दान किया जाता है, चाहे काला तिल चाहे सफेद तिल, और कहीं कहीं पे तांबे की धातु वगैरह भी दान की जाती है। तो मैं नहा चुकी हूँ और स्नान, मेरा दान भी मैंने निकाल के रख दिया है। इवन एक ब्राह्मण को मैंने दान कर भी दिया है, वो दरवाजे पर ही आ गए थे। ब्राह्मण जो होते हैं, जो मंदिर वगैरह में सेवा वगैरह देते हैं, जो कर्म से ब्राह्मण होते हैं, उनको दान देना बहुत फलता है, तो वो मैंने कर दिया है। यहाँ मेरे ठाकुर जी का भी देखिए श्रृंगार वगैरह सब हो चुका है। मैं अपने ठाकुर जी को लेकर आई हूँ, राधा रानी को लेकर नहीं आई हूँ यहाँ पर, क्योंकि वहां मेरे हस्बैंड हैं, वो उनका ध्यान रखेंगे। और मैं जल्दी जल्दी में ज्यादा भगवान एक साथ लेकर नहीं घूम सकती थी। तो यहाँ पे ये जो मेरे भगवान है ये यहीं के हैं और ये मेरे ठाकुर जी हैं। तो अभी मैंने धूप दीप आरती श्रृंगार स्नान इनका सब कर दिया है, क्योंकि नारायण भगवान का दिन है तो नारायण भगवान की चीजें होंगी ही होंगी। अब मैं जा रही हूँ खिचड़ी वगैरह बनाने, क्योंकि मैं दान कर चुकी हूँ तो अब खिचड़ी का भोग भी उन्हें लगेगा। हमारे यहाँ तो उड़द की दाल और चावल की खिचड़ी बनती है, बहुत सी जगहों पे मसाला और वेजिटेबल्स डाल के भी बनती है, साथ में तिल के लड्डू और पापड़ और चटनी, दही, इन सब का भी भोग मेरे ठाकुर जी को पहले लगेगा, फिर पूरा परिवार यहाँ पे ग्रहण करेगा। तो चलिए फिर देखते हैं कि मेरी खिचड़ी कैसी बन रही है। उससे पहले मेरे प्रभु के श्रृंगार के दर्शन जरूर कर लीजिए। ये देखिए आज मेरे प्रभु ने कितनी प्यारी ड्रेस पहनी है, और ये मेरे सबसे छोटू छोटू लाला है, इन्होंने भी देखिए श्रृंगार कर लिया है। और ये मेरे हैं गोविंद, इनको भी मैंने आज अच्छी सी ड्रेस पहनाई है। तो तीनों अभी मेरे प्रभु सज धज के बैठ गए हैं, और अब मैं जा रही हूँ उन्हें अपने घर में बनने वाली खिचड़ी का भोग लगाने। ये मेरे ठाकुर जी की भोग थाली रेडी हो गई है। ये उड़द दाल और नए चावल और नए दाल की खिचड़ी बनती है। बहुत से लोग वेजिटेबल्स वगैरह भी डाल के बनाते हैं, साथ में इसमें घी, देसी घी डाला जाता है, सैलेड होता है, चटनी होती है, और तिल के लड्डू का भी भोग आज के दिन जरूर लगता है प्रभु को। साथ में यहाँ पे जो उड़द की दाल के जो पापड़ होते हैं वो भी तल के रखे जाते हैं, और अचार भी रख सकते हैं, पर अचार और पापड़ मैंने इसमें इसलिए नहीं रखा है क्योंकि ठाकुर जी के भोग में शुद्ध चीजें रखी जाती हैं, और वो मे भी शुद्ध है कि नहीं मैं गारंटी नहीं दे सकती इसकी।
तो यहाँ पे मैंने अपने प्रभु की थाली लगा ली है, और जो चीजें इसमें रखी जाती है ना, वही चीजें हम आज के दिन दान भी करते हैं। खिचड़ी को कच्चा भी दान कर सकते हैं, पका के भी दान कर सकते हैं। नारायण भगवान का दिन है तो हल्दी वगैरह, पीताम्बरी वस्त्र, जनेऊ वगैरह भी दान कर सकते हैं। और सुहागन महिलाएं आज के दिन सुहाग की सामग्री भी दान कर सकती हैं। तो चलिए पहले अपने प्रभु को भोग लगा देते हैं। प्रभु को खिचड़ी का भोग लगाने के बाद ही हम सब लोग खिचड़ी ग्रहण करेंगे। जब तक कि भगवान को खिचड़ी का भोग नहीं लग जाता है और जब तक कि खिचड़ी का दान नहीं कर दिया जाता है, तब तक घर में कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता है। तो अब इसके बाद हम सब लोग प्रसाद स्वरूप जो है खिचड़ी को ग्रहण करेंगे और सब लोग आज खिचड़ी एक टाइम खाएंगे। और इसके बाद फिर जब मैं मंदिर जाऊंगी तब मैं वहां पर किसी ब्राह्मणी को सुहाग की सामग्री का दान करूंगी। सुहाग की सामग्री किसी मान्य को भी दान किया जा सकता है, और आज के दिन किसी गरीब महिला को भी आप सुहाग की सामग्री, जो सौभाग्यवती हो, उसको भी दान कर सकते हैं। तो आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। अपना ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।